अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सर देखिए ना, अचानक से बेहोश हो गई। रजत क्या हुआ अनमोल को? माँ बेहोश हो गई, पता नहीं। अनमोल उठो। इनकी हालत बहुत खराब हो रही है, इनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। नर्स, वार्ड बॉय को बुलाओ। शिफ्ट करो जल्दी। पापा, हाँ दीपू, मुझे अनमोल माँ से मिलना है। तो कैसा? दूर रहिए मुझसे, मुझे अपनी अनमोल माँ से मिलना है। दीपू? जी दादी। अब इसे आराम करने दो, बाहर चलो। माँ ऐसा कैसे हो सकता है? बिना सोचे समझे हर बार ये लड़की हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है, अपने बारे में कभी नहीं सोचती। देख रही है ना कैसे इस लड़की ने मेरी बेटी को अपनी बेटी बना ली। उसकी सगी माँ से बढ़कर प्यार दे रही है उसे। आज उसकी जान बचाने के लिए उसने अपने खून का कतरा कतरा दे दिया। तो कहिए रानी माँ, क्या अब भी आपको अनमोल पर विश्वास नहीं? क्या अब भी आप सोचती हैं कि अनमोल मेरे और हमारे परिवार के लिए एक गलत चुनाव है? नर्स, अभी अनमोल कैसी? ज्यादा ब्लड देने की वजह से आपकी पत्नी का ब्लड लेवल बहुत नीचे आ गया है। हमने एलवी के जरिए दवा तो दे दी है, पर जब तक उनको होश नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। अनमोल, अनमोल, अनमोल उठो। देखो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं, तुमने बिना मुझसे बात किए ये फैसला ले लिया। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? अनमोल अगर तुम ऐसे चुपचाप रहोगी तो मुझसे नहीं रहा जाता। उठो, उठो। देखो अनमोल, तुमने आज तक मेरी कोई भी बात नहीं टाली, इसलिए आज तुम्हें मेरे लिए उतना ही होगा। सुना तुमने? अनमोल अब नहीं उठेगी रजत, क्योंकि तुम्हारी पहली पत्नी जाग गई है। बोल। उदय, अनमोल भाभी की हालत बहुत खराब है और इस वक्त ना उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है, तो प्लीज
कम से कम उनके लिए तो जाग जाओ। उदय कैसे भाई हो तुम जो अपनी बहन के लिए भी नहीं जाग रहे हो? जागो और देखो कि इस वक्त वो किस हालत में है। तुम ही कहते हो ना कि तुम अपनी बहन अम्मू को कुछ नहीं होने दोगे, हमेशा उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़े रहोगे, तो फिर जागते क्यों नहीं? प्लीज उदय, प्लीज जाग जा। अनमोल देखो सुबह से शाम हो गई और कितना इंतजार करवाओगी? अनमोल मुझे बहुत चिंता हो रही। अनमोल उठो, अनमोल तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं भी बहुत जिद्दी हूं, तुम नहीं उठोगी ना? तो देखना मैं भी तुम्हें उठाकर ही दम लूंगा। माँ जिंदगी में बहुत कम ऐसा मौका पड़ा है कि मुझे आपसे आपसे कुछ मांगना पड़ा, लेकिन आज आज अनमोल को आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। उसे बचा लीजिए माँ, मेरी जिंदगी मुझे लौटा दीजिए। तुम्हारे कपड़े फट गए हैं, ये कपड़े लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, पहन लेना। ये इतना लंबा बाल तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। अनमोल तब उठेगी रजत जब ये जिंदा बचेगी। अनमोल को बचा लीजिए मां, बचा लीजिए उसे।
रुको। ओह गॉड, रजत ने कहीं अनमोल को देख तो नहीं ली? अनमोल कहां चली गई? अभी तो यही थी। अनमोल, एक्सक्यूज मी, आपने मेरी वाइफ को देखा क्या? वो वहां वार्ड नंबर 6 में थी। तो मेरी ड्यूटी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप एक्सक्यूज मी, आपने वार्ड नंबर 6 की पेशेंट को देखा? नहीं। अनमोल अचानक कहां चली गई? अभी थोड़ी देर पहले तक तो उसे होश भी नहीं था। बहुत जी ली तुम अनमोल, अब तुम्हें इस दुनिया से रवाना होना होगा ताकि मेरी सुकून की जिंदगी शुरू हो सके। चली गई अनमोल, हाँ तो सब जगह ढूंढ लिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में? चेहरा जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वो अब मैं नहीं देखूंगी, कभी नहीं देखूंगी। आपने ये वार्ड नंबर 6 की पेशेंट को देखा? एक्सक्यूज मी, आपने वो वार्ड नंबर 6 की पेशेंट को देखा? अनमोल कहां हो तुम?
मिथिला चौहान, मेरी अम्मू की जान लेने का सोच भी कैसे लिया तुमने? दूर रहना मेरी अम्मू से। उदय चौधरी, तुम्हारी बहन को अब मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता। मेरी अम्मू को छुआ ना, इसी आग में भस्म कर देंगे तुम्हें। हम उठ बेटा, देख देख तेरा भाई आ गया। हम कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। हम उदय हटो, अब इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बोला ना, दूर हटो हमारी बहन से, दूर दूर रहना मेरी बहन। तेरा भाई आके खबरदार, हमारे भैया को कुछ किया तो दूर हटो। मामू, तू ठीक है? मिथिला, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तुमने ना भाई बहनों ने मुझे, बस अब और नहीं। अनमोल, अनमोल कहाँ हो तुम? मैंने अनमोल को बांधा था, इसका मतलब वो आसपास ही। अनमोल, पहले तुम भस्म होगी और फिर तुम्हारा भाई। मिथिला क्या करिए, छोड़ो हमें। बहुत हो गया ये चूहे पिल्ले का खेल। जब तक तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होगी ना, मेरी और रजत की कहानी शुरू नहीं होगी। चलो। चुपचाप खड़ी रहो, कोई पहचाने नहीं आएगा तुम्हें।
अनमोल, अनमोल कहाँ हो तुम? पता नहीं पिछली बार कैसे बच गई थी, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। चलो चलो चलो, गुस्सा।